अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था आर एच वी टेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वी टेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस किया था। इसमें फाइव किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये पांचों किंगडम को हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग। अब इसी के बाद इसमें आगे देखते हैं वायरस के बारे में। तो वी टेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, वायरस के बारे में कहीं कोई स्थान नहीं दिया। वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। इसके बारे में वी टेकर ने कुछ नहीं बताया था, ठीक है ना। बाकी फाइव किंगडम के बारे में बताया, उसको डिस्कस किया। तो इसमें वायरस या विषाणु क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इसके बारे में वी टेकर ने कुछ नहीं बताया था। तो वायरस या विषाणु क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कोशिकीय नहीं होता है। वायरस या विषाणु, इनमें सेल या कोशिका नहीं होती, नॉन सेलुलर होता है, ठीक है ना। सेल्स नहीं होती, तो नॉन सेलुलर होता है, क्योंकि इसमें सेल्स के जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये नॉन सेलुलर है, अकोशिकीय है, कोशिका नहीं होती इसमें, वायरस में। दूसरा है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब ये बाहर क्रिस्टल के फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे क्रिस्टल होते ऐसे ही क्रिस्टल फॉर्म में, नॉन लिविंग कंडीशन में इसको बोतल वोतल के अंदर भर करके रखा जा सकता है। जब ये शरीर के बाहर रहता है तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है शरीर के बाहर, लेकिन जब शरीर के अंदर जाता है तो ये सारी क्रियाएं करता है जो हम लोग करते हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, सारी क्रियाएं करता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वही वायरस करता है, लेकिन तब जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है या प्लांट के शरीर के अंदर जाता है, किसी एनिमल, किसी प्लांट के शरीर में जाता है, तो ये सारी लिविंग कंडीशन की प्रोसेस करता है। लेकिन जब शरीर के बाहर रहता है, किसी प्लांट एनिमल के शरीर में नहीं रहता, बाहर रहता है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, इनर्ट रहता है, बिल्कुल क्रिया नहीं करता, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, सेल के बाहर। इसके बाद आता है वायरस का मतलब क्या होता है, विनोम या पॉइजनस। जैसे इसको हिंदी में वायरस को कहते हैं विषाणु, मतलब विष का अणु होता है, तो वायरस मतलब होता है विनोम या पॉइजनस, जहरीला, मतलब इसके केवल नुकसान ही नुकसान होगा, वायरस से कभी कोई फायदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका नाम ही रखा गया विषाणु, विष का अणु, वायरस, विनोम या पॉइजनस। वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज इवानोवस्की ने की, पाश्चर डी जे इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की। और वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किसमें की? मोज़ेक डिसीज इन टोबैको, तंबाकू में जो एक चितकबरा रोग होता है, तंबाकू में एक चितकबरा रोग होता है, वो रोग में, उस रोग में इन्होंने वायरस की खोज की, ठीक है ना। तो मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको, मोज़ेक माने होता है चितकबरा,
तो तंबाकू की पत्तियों में चितकबरा का रोग हो जाता है। उसी रोग में वानोवस्की ने वायरस की खोज की, ठीक है ना। अब वायरस में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, जिसको हम बायो में पढ़ते हैं, सभी प्लांट सभी एनिमल के सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन वायरस में डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है, दोनों नहीं होते। जिस वायरस में डीएनए होता है उसको हम डीएनए वायरस कहते हैं, जिसमें आरएनए होता है उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। तो वायरस में या विषाणु में डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है। अब ये जरूर यह है, डीएनए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो सूत्री रचना होती है, लेकिन आरएनए मोस्टली एक सूत्री होती है। लेकिन वायरस में जो डीएनए होते हैं वो एक सूत्री भी होते हैं और द्विसूत्री भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब सिंगल हेलिकल भी होते हैं, डबल हेलिकल भी होते हैं। तो इस प्रकार से वायरस में डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है, ठीक है ना। और आरएनए भी दो प्रकार के, सिंगल हेलिकल या डबल हेलिकल, दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से वायरस में डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है। वायरस के द्वारा जंतुओं और पौधों में, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सी प्रकार की बीमारियां होती हैं, डिसीजेज होती हैं, हैं? जैसे कि जंतुओं में जो बीमारियां होती हैं, बम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सभी बीमारियां जंतुओं में वायरस से होती है। जैसे एड्स का भी नाम सुना होगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये बीमारी भी मनुष्यों में होती है, मैंस ह्यूमन बींग्स में होती है, और ये बीमारी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होती है मनुष्यों में, एचआईवी वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। इसके पश्चात प्लांट्स में भी वायरस के द्वारा कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंट ग्रोथ, मतलब प्लांट्स में अनेक प्रकार की बीमारियां वायरस के कारण हो जाती हैं। इसमें प्लांट का जो स्टेम होता है, रूट होती हैं, लीव्स, उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनमें फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह, ये सब खराब हो जाते हैं। कभी कभी वायरस की डिसीज से प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो भी नहीं हो पाती है, उनकी वृद्धि भी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स में वायरस के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने वायरस के बारे में नहीं बताया था, इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग से डिस्कस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं या विषाणु कहते हैं, और वायरस का मतलब विनोम या पॉइजनस होता है, ठीक है ना। तो वायरस एक कैसा है, नॉन सेलुलर, मतलब कोश की संरचना नहीं होती, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह एक ऐसा जीव है जिनमें कोशिका नहीं होती, कोशिका में जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। और वायरस या विषाणु इनर्ट होता है, एक अक्रिय संरचना होती है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब निष्क्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है जब ये शरीर के बाहर होता है। लेकिन जब शरीर के अंदर होता है तो सारी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज करता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो भी करता है, या सभी एनिमल्स और प्लांट में जो भी वाइटल एक्टिविटीज या जैविक क्रियाएं होती वो इसमें भी होती है, लेकिन तब जब ये हमारे शरीर के अंदर या प्लांट के शरीर के अंदर पहुँच जाता है,
वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने, डीजे इवानोवस्की ने 1892 में, ठीक है। और इसकी खोज किसमें की थी? मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको, तंबाकू की पत्ती में जो चितकबरा रोग होता है उसमें इसकी खोज की थी। वायरस में डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है, जबकि और दूसरे प्लांट और एनिमल्स में सभी सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन इसमें डीएनए या आरएनए दो में से कोई एक होता है। और आरएनए भी इसमें जो वायरस में होते हैं सिंगल हेलिकल या डबल हेलिकल, एक सूत्री या द्विसूत्री, दोनों प्रकार के होते हैं। हो सकते जंतुओं में वायरस के द्वारा कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे कुछ के नाम आपको याद रखने हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये सभी बीमारियां वायरस के द्वारा जंतुओं में फैलती हैं। और पौधों में लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉफिंग और स्टंट ग्रोथ, ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेज होती हैं। तो ये हम लोगों ने आज वायरस के बारे में डिस्कस किया इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।